धान की रोपाई का समय किसानों के सर पर है, लेकिन किसानों को अभी तक उनके कई सालों से लंबित पड़े ट्यूबवेल्स कनेक्शन नहीं दिए गए। सरकार और बिजली विभाग की तरफ से नहीं दिए गए हैं ये कनेक्शन। ऐसे में किसान सरकार के प्रति अपना रोष व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। वहीं ट्यूबवेल कनेक्शन की मांग को लेकर कैथर में भी किसान संगठनों का धरना पिछले 14 दिनों से चल रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि कई कई सालों से बिजली कनेक्शन के लिए सरकारी फीस लाखों रुपए जमा करवा रखी है और अब तक बिजली कनेक्शन नहीं मिला है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी फसल के लिए जनरेटर से डीजल फूंकना पड़ता है। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले काफी लंबे समय से जो बिजली के कनेक्शन है उनको लेकर किसानों के बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है। बहुत लंबे टाइम से लोगों ने अपने कनेक्शनों के एस्टीमेट बनवा रखे, पैसे जमा करवा रखे, लेकिन कुछ कनेक्शन अभी भी पेंडिंग है। जून का महीना स्टार्ट हो चुका है, 15 जून को जीरी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। जो किसान साथी कनेक्शन के इंतजार में जीरी लगाएंगे, उनको अब तक कनेक्शन नहीं मिला, वो अपनी जीरी कैसे लगाएंगे। वही लंबित पड़े ट्यूबवेल कनेक्शन की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम के कोर कमेटी के सदस्य बहादुर महला ने कहा कि साल 2014 से सरकार ने प्रदेश भर में ट्यूबवेल कनेक्शन पर रोक लगाई हुई है। संबंधित विभाग द्वारा किसानों से लाखों रुपए भरवाने के बाद भी किसानों को अब तक ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दिए गए। सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने किसानों को कनेक्शन नहीं दिए तो किसान संगठन सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। सरकार को चेतावनी है, हरियाणा में जो किसानों के लंबी ट्यूबवेल कनेक्शन है, पिछले 2014 से इन्होंने कनेक्शनों पे रोक लगा रखी है और कई हजारों करोड़ रुपया किसानों का अपने पास ये सरकार यूज़ कर रही है। प्रत्येक किसान से 2 से 3 लाख रुपए इन्होंने भरवा रखे हैं 2014 से और ट्यूबवेल कनेक्शन जारी नहीं किए जा रहे। लंबित पड़े ट्यूबवेल कनेक्शन ना मिलने से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे किसानों में भारी रोष है। वहीं किसानों ने इस बार चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सरकार ने किसानों को कनेक्शन नहीं दिए तो बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहें। करनाल से विकास महला की रिपोर्ट।